यस बाबा। बैठो। बराबर बैठो यार। इज एवरीथिंग ओके? ये आयरा क्या करती फिर रही है? क्या हुआ? डिड यू नो शी इज गोइंग टू जॉइन फखर ग्रुप? व्हाट रियली? बीवी वो तुम्हारी है, साये की तरह तुम दिन रात उसके साथ चिपके रहते हो। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? I don't know that, Baba. Come on, I mean. And you expect me to believe you? झूठ क्यों बोलूँगा? तुम्हें मालूम है कि फखर ग्रुप और हमारी कितनी बड़ी और पुरानी rivalry. I know that, Baba. अंकल, जब जैद कह रहा है उसे मालूम नहीं है तो नहीं मालूम होगा। प्लीज मुबशर, तुम्हें बात बेबात इसकी तरफदारी की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये मुसीबत कहां से लाके मेरे गले में डाल दी है। ये किस किस्म की लड़की है यार? इसकी ना कोई सोशल वैल्यूज है, ना कोई मॉरल वैल्यूज, ना कोई सोशल क्लास है। घर और घर वाले क्या होते हैं इसको नहीं मालूम। और तुमने इस लड़की की खातिर हमारा जीना अजाब किया हुआ था, हमें गिल्टी कॉन्शियस किया हुआ है और हम डिफेंसिव हुए हुए। मैं पहले भी सही कहता था और मैं आज भी यही कहता हूं, खानदानी लड़कियां ऐसे नहीं होती। प्लीज बाबा। अंकल प्लीज कम डाउन। उससे कहो कि अगर वो चाहती है कि वो अपने आप को आसिफ खान की बहू की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराए और एक्नॉलेज हो तो उसे ये ऑफर रिजेक्ट करनी पड़ेगी। वो किसी सूरत फखर ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती जैद। यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन। आई एम डन हियर।